अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे आपको भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हमारे पास 9 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या मौजूद हैं हमारे पास आज की वीडियो में, उसके बाद हम उनकी प्राइस रेंज की बात कर लेंगे, कौन सी चीज़ कितनी प्राइस में मौजूद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग भाई के चैनल पर नए हाजिर हुए हैं तो लाजमी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी सेकंड हैंड फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पे वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें आज हमारे पास चीज़ें क्या क्या मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास पहले नंबर पर 2 सोफ़ा सेट आ जाते हैं, देन फिर एक बेडरूम सेट आता है, फिर एक सोफ़ा सेट आता है, फिर देन बेडरूम सेट आता है, फिर एक आयरन में बेड आता है, एक 2 डाइनिंग टेबल आते हैं टॉप क्लास में 6 चेयर के साथ, देन एक एल शेप छोटा सेट कहने लगा था एंड पे हमारे पास एक आता है सोफ़ा सेट जो कि एल शेप में 4 सीटर के साथ विद सेंटर टेबल टॉप क्लास में देखने को मिल जाता है। तो आज की वीडियो में ये तकरीबन 9 चीज़ें बनती हैं। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी चीज़ पसंद आती है, आपकी सिटी में है, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा, देन आप लोकेशन का उनसे पता कर सकते हैं, उनसे प्राइस की बात कर सकते हैं, उनसे तस्वीरें और मंगवा सकते हैं, और बाकी फर्दन जो भी आपने बात करनी है आप उनके साथ नंबर पर कॉल पर बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एक अदर सोफ़ा सेट जो कि 10x10 कंडीशन में आए। मैंने मेरा ख्याल है कि ये मैंने पहले भी सोफ़ा सेट अपनी वीडियो में ऐड किया, पर मुझे कंफर्म याद नहीं है कि मैंने ऐड कब किया था, या 6 दिन 7 दिन या 1.5 हफ़्ता पहले। तो मैंने इसको ऐड लाजमी किया था, इतना मुझे याद है। 1 सीटर है, 2 सीटर है, 1 3 सीटर है, टोटल 6 सीटर सोफ़ा सेट है ये। 25,000 रुपये में सेल हो रहा है, अर्जेंट सेल हो रहा है लाहौर में, ठीक है। सोफ़ा सेट की कंडीशन तो 10x10 है, वाकई ही बिल्कुल न्यू है, मतलब कि मॉल से इतना यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ हुआ, आप कहते हैं माड़ा सा यूज़ किया हुआ है उन्होंने सिर्फ इसको। बाकी कलर कम्बिनेशन डिज़ाइन मुझे काफ़ी इसका पसंद आया है, शायद मैंने ये बात पहले भी की है, मुझे याद पड़ रहा है। तो इस टाइम लाहौर में मौजूद है, 25,000 रुपया इसकी डिमांड है, तो लाहौर वाले परचेज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास फिर सोफ़ा सेट है एक जो कि 1, 2, 3 में ही मौजूद है, 6 सीटर ये भी सोफ़ा सेट है, ये भी लाहौर में मौजूद है। 19,500 रुपया इस सोफ़ा सेट का मांग रहे हैं। इसके सिटिंग कंफर्टेबल है, कंडीशन इज़ परफेक्ट है, पॉलिश इज़ ऑलवेज परफेक्ट है, कलर डार्क है, मेहरून का डार्क मेहरून कलर है, ठीक है। बाकी फॉर्म हर चीज़ उन्होंने लिखा हुआ है, बिल्कुल ओके है, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चौधरी पार्क लाहौर में इस टाइम ये सोफ़ा सेट मौजूद है। 7 तारीख का ऐड है, मतलब कि कल का ऐड है मेरे ख्याल से, आज क्या तारीख है, आज 7 है, आज का ये ऐड है, आज का ये ऐड है। तो आप लाहौर वाले जिस जिसको लाहौर में चाहिए, 19,500 रुपये इसकी डिमांड है, 15,000 रुपये तक भी कोशिश की जा सकती है उसको परचेस करने की। तो भाई लाहौर में जिस जिसको चाहिए लाहौर वाले इसके साथ रब्ता कर सकते हैं, फिर बता रहा हूँ आपको कमेंट सेशन में नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास एक अदद बेड जिसके साथ 2 अदद साइड टेबल आपको देखने को मिल जाते हैं, मैट्रेस इसमें इंक्लूड नहीं है, बेड और 2 अदद साइड टेबल, ठीक है। ये इस टाइम मुल्तान में मौजूद है विदाउट मैट्रेस, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। चस्का पार्टी उन्होंने कहा भाई दूर है, न्यू बेड उन्होंने लिखा हुआ था, हालांकि न्यू नहीं है, 8x10 कंडीशन में आपको देखने को बेड मिल जाता है, साथ में 2 अदद साइड टेबल है। 15,000 रुपया डिमांड है बेड और 2 अदद साइड टेबल की, तो भाई मुल्तान वाले इसको परचेज कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है, फिर मैंने बताया था आप लोगों को सोफ़ा सेट है जो कि 5 सीटर में देखने को मिल जाता है। कंडीशन की ओवरऑल बात करें तो 8x10 कंडीशन है, कलर अच्छा है, मतलब कि पॉशिश जो है साइड की वो भी बेहतरीन है, पॉलिश सॉरी पॉशिश कह रहा हूँ, पॉशिश का जो था हल्का हल्का प्रिंट है वो आप गौर से देखना तो थोड़ा सा शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है, या फिर वो डिज़ाइन ही ऐसा है थोड़ा थोड़ा मिटा हुआ लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ऐसे लाइट पड़ रही है जिस वजह से वो थोड़ा सा
वाइट ज़्यादा हुआ हुआ है, तो इस तरह लग रहा है जैसे कि कलर फेड है। ये तो कन्फर्म हो जाएगा जब आप उनसे तस्वीरें मंगवाएंगे या आप देखने जाएंगे, ठीक है। तब आप गौर से देख लीजिएगा, तब आप लोगों को पता चल जाएगा। ये इस टाइम रावलपिंडी में सोफा सेट मौजूद है, एक दो 1-1 सीटर के हैं, एक 3 सीटर का, टोटल है 5 सीटर सोफा सेट। प्राइस रेंज की बात की जाए तो 23,000 रुपये इसका महंगा हुआ है, ठीक है। नो डैमेज, नो ब्रेक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रिसेंटली उन्होंने इसकी पोशिश भी करवाई है, ऐसे ही मुझे लग रहा था कि रिसेंटली पोशिश हुई हुई है। ऐसे ही एक ये जो कलर मैं कह रहा हूँ ना उड़ा हुआ है, जो ये कलर नहीं उड़ा हुआ, ये लाइट ही फिर पड़ी हुई है जिस वजह से वो ऐसा फील करवा रहा है। तो 23,000 रुपये महंगा हुआ है, इस टाइम रावलपिंडी में मौजूद है, तो पिंडी वाले भाई परचेस कर सकते हैं। देन है हमारे पास एक अदद बेड जिसके साथ एक अदद ही ड्रेसिंग टेबल है। बेड पॉलिश हुआ हुआ है, ठीक है। ड्रेसिंग टेबल के साथ बेड के साथ दो अदर साइड टेबल नहीं है, सिर्फ ड्रेसिंग टेबल है, मैट्रेस भी इंक्लूड इसमें नहीं है, ठीक है। ड्रेसिंग की जो है ना कंडीशन वो भी पॉलिश हुआ हुआ है, तो काफ़ी हद तक साफ है। बेड की कंडीशन तो ऑलरेडी बिल्कुल नीट है, ठीक है। थोड़ा सा पुराना डिज़ाइन का है, पर प्राइस रेंज की बात की जाए तो 15,500 रुपये में अली टाउन रावलपिंडी में मौजूद है। प्राइस रेंज अगर बात करें तो 10,000 रुपये तक भी मिल सकता है, ठीक है ना। 15,500 तो वैसे उन्होंने लिखा हुआ है, तो 500 कम करके 15,000 रुपये में आड़ ना जाएँ, पर यह है कि हमने अपनी कोशिश करनी है, उन्होंने अपनी कोशिश करनी है, आपने अपनी कोशिश करके चीज़ को परचेज़ करना है। 10 में कर लें या 12 में कर लें, वो आप पर डिपेंड करता है, आपका कितना बजट है उस बजट के लिहाज से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये इस टाइम पिंडी में मौजूद है भाई। उसके बाद हमारे पास देखने को मिल जाता है एक अदद आयरन बेड, जो कि आयरन बेड की कंडीशन बताऊँ तो 8x10 है। इसके साथ और कोई चीज़ नहीं है, ना साइड टेबल है, ना मैट्रेस है, ना ड्रेसिंग टेबल है, सिर्फ और सिर्फ एक अदद बेड आपको देखने को मिल जाता है। ये भी पिंडी में मौजूद है और इसका फाइनल प्राइस 13,500 मांगी हुई है। तो इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिसको चाहिए वही कॉल करें, वरना रब्ता ना करें, 13,500 से नीचे वाले रब्ता ना करें। तो मुझे आयरन बेड का इतना अच्छा कोई आइडिया नहीं है कि न्यू मार्केट में इसकी क्या प्राइस है, क्या डिमांड है, क्या हिसाब किताब है। जिसको आयरन बेड का वैसे शौक है उसको इस चीज़ का आइडिया भी ज़रूर होगा। तो 13,500 रुपये इसने सेकेंड हैंड का मांगा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि 13,500 रुपये इसने सही मांगा हुआ है या ज़्यादा मांगा हुआ है। मेरे एक अंदाजे के मुताबिक इसने 13,500 ज़्यादा प्राइस मांगी हुई है, यही कोई 8.5-9,000 रुपये तक, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत भी छलांग मारो तो 10,000 रुपये तक होना चाहिए था। तो फिर भी पिंडी वाले भाई इसको परचेस कर सकते हैं। देन हमारे पास एक अदद डाइनिंग टेबल जो कि 6 चेयर के साथ आपको टॉप ग्लास में देखने को मिल जाता है, 8mm का शीशा, बाकी चेयर की कंडीशन 7x10 है, आप लोग देख लेना, क्योंकि पोशी जो कंडीशन है ना वो थोड़ी रफ़ है जिस वजह से मैंने 7x10 बोला है। पॉलिश ठीक है, पोशिश थोड़ी सी रफ़ है, बाकी टेबल की ओवरऑल अगर कंडीशन बात की जाए तो 8x10 आप कह सकते हो, किसी किस्म का कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है जो कि होना चाहिए, ताकि होता तो फिर हम उसको परचेज़ करके यूज़ करने वाले ना होते, ठीक है। अगर होता है नहीं है, बाय करके यूज़ किया जा सकता है, तकरीबन 6 महीने 1 साल तक यूज़ किया जा सकता है डाइनिंग टेबल। प्राइस रेंज की बात करें तो इसकी प्राइस 21,000 रुपये मांगी हुई है। ये भी पिंडी में मौजूद है और मुझे पिंडी से मैसेज आ रहे थे कि मैं पिंडी रावलपिंडी के लिए वीडियोस नहीं बना रहा, अगर आप कमेंट्स पढ़ते होते तो आप मेरा कमेंट पढ़ के मेरे लिए पिंडी में चीज़ें भी बताते। तो मेरा नहीं ख्याल यार मेरी कोई वीडियो मिस होती हो रावलपिंडी या इस्लामाबाद में चीज़ ना आती हो, तो अक्सर 90% ऐसे चांस हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की चीज़ें मेरी वीडियो में ऐड होती हैं। बेशक आप पिछली वीडियो उठा के देख लें, उनमें आपको मेरी वीडियो में चीज़ें मिलेंगी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए। तो मेरी कोशिश होती है यार जब भी चीज़ें मिलें, अच्छी चीज़ें मिलें, मैं अपनी वीडियो में उनको ऐड करके आप लोगों को दूँ। मैंने क्या करना है यार, मैंने तो आप लोगों को वीडियो बनाना, मैं तो चाहूँगा मेरा वीडियो वायरल हो, मेरे वीडियो पर अच्छे व्यूज़ आएँ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मैं तो ये सारी चीज़ें चाहूँगा। तो पर आप लोगों को यार कुछ एहसास भाई का करना चाहिए यार, ठीक है। तो अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, बाकी 21,000 रुपये मांगा हुआ है इस डाइनिंग टेबल का 6 चेयर के साथ, तो पिंडी वाले परचेज़ करते हैं। इसके बाद जो डाइनिंग टेबल आने वाला है वो भी पिंडी में मौजूद है, और बताएं
इतनी ज़्यादा पिंडी में मैंने चीज़ें देख ली हैं यार, अब आप लोग अभी भी कहें तो फिर तुम्हारी बात है ना। अच्छा, ये डाइनिंग टेबल उस डाइनिंग टेबल से मैं कहता हूँ 100 गुना बेहतर है, क्योंकि इस डाइनिंग टेबल की कंडीशन, कलर, सिटिंग, चेयर, टेबल, हर चीज़ उससे बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा बताते लगा कि ये उससे बहुत ज़बरदस्त है, मतलब कि 10/10 कंडीशन में ये डाइनिंग टेबल मौजूद है। इसकी पोशिश देख लो यार, इसकी पोशिश बहुत अच्छी है। 8mm का इसको भी शीशा लगा हुआ, वो 21,000 रुपये में सेल हो रहा है, ये 25,000 रुपये मांग रहे हैं, तो वो प्राइस उसने लिखा भी हुआ है कि फ़ाइनल है। अगर वही फाइनल प्राइस में अगर परचेज़ करना है तो उससे अच्छा हम ये कर लेते हैं, ये चलो अगर हमें 25 मांगा हुआ 23 में भी दे दे, या 22 में दे दे, या 20 में दे दे, तो उससे मैं कहता हूँ ये बहुत बहुत दर्जे बेहतर है। हाँ, उस डाइनिंग टेबल का ये है कि वो 15 तक मिल जाए या 16 तक मिल जाए तो बेहतरीन है, अगर नहीं तो फिर ये उससे 100 गुना बेहतर है, ये 21 में मिल जाए, 20 में मिल जाए, 22 में मिल जाए, ठीक है। तो ये भी पिंडी वाले परचेस कर सकते हैं। देन आखिरी नंबर पे है हमारे पास एल शेप 4 सीटर में एल शेप सोफ़ा सेट, ठीक है। 2 सीट यहाँ पे, 4 सीटर में एल शेप सोफ़ा सेट, जो कि छोटे रूम के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई छोटा सा रूम सेट करना चाहते हो मेहमानों के लिए, तो वहाँ पे ये बेहतरीन सेट हो सकता है। कैसे, मतलब कि एक एल शेप सोफ़ा सेट लग जाए ये 4 के साथ, ठीक है, और 2 चेयर बेडरूम, मतलब कि 2 चेयर लग जाएँ, बेडरूम ना भी लगें, 2 अच्छी सी चेयर लग जाएँ इसी कलर में, इसी पोशिश में, तो 6 सीटर तकरीबन ये मिला जुला के हो जाएगा, ठीक है। ये ज़बरदस्त एक मेरे ख्याल से कम्बिनेशन मान जाएगा। तो इस टाइम गुजरांवाला में मौजूद है। प्राइस रेंज की बात करें तो 16,000 रुपये मांगी हुई है। इसके साथ आपको टेबल भी मिल जाएगा जो कि टॉप क्लास में है इसके साथ, ठीक है। 16,000 रुपया 4 सीटर एल शेप सोफ़ा सेट प्लस टॉप ग्लास सेंटर टेबल का मांगा हुआ है। फाइनल प्राइस नहीं है, आप लोग प्राइस रेंज की इनके साथ बात कर सकते हो, ठीक है। 16,000 रुपया गुजरांवाला में मौजूद है। 3 का ऐड लगा हुआ है, आज 7 तारीख है, 4 दिन ऑलरेडी हो गए हैं। ये है कि प्राइस रेंज मुनासिब हो के बात बन सकती है, तो गुजरांवाला में मौजूद है। तो आज की वीडियो में थी ये चीज़ें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को मस्त करें लाइक। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, भाई को लाजमी दुआओं में याद रखा करें। खुदा हाफिज़।